वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 16 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 16 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, ए ईयर इन ऑफिस पुस्तक जो कि 20 अगस्त 2018 को रिलीज होगी उसके लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, ए ईयर इन ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और ये रूपा पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की जाएगी और इसको रिलीज करेंगे 20 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में दो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देवगौड़ा भी प्रेजेंट रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम जी टंडन का निधन हो गया और उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसमें आंसर आएगा आपका आनंदीबेन पटेल को और आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने शपथ दिलाई है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही है और वहीं अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जैसे प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आपके अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा राज्यपाल और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये नियुक्ति वे संघीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शनों में होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहां पर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश उसको राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट उसमें पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है या राज्यपाल रिजाइन यानी उसको त्यागपत्र देना हो राज्यपाल को तो वो किसको त्यागपत्र देगा? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगर राज्यपाल त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग का अभियान नहीं चलाया जा सकता और राज्यपाल को हटाए जाने का संविधान में कोई आधार वर्णित नहीं है और उसे किसी भी आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति अगर उसे पदमुक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या वो त्यागपत्र राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं और वहीं राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अनुसार अगर सार्वजनिक स्थल या किसी अन्य जगह पर झंडे को जलाया, फाड़ा या किसी भी रूप में उसका अपमान किया जाता है तो उस शख्स को 3 साल की जेल के साथ जुर्माना हो सकता है? तो आपका आंसर आएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अगर कोई झंडे का अपमान करता है किसी भी रूप में तो उसको कितने साल की जेल हो सकती है? तो आपका आंसर आएगा 3 साल की। आपको ये दोनों तरह से सोचना है कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना कब से पूरे देश में लागू होगी? तो इसमें आंसर आएगा 25 सितंबर 2018 से और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। आयुष्मान भारत योजना में हर बीमारी का एक रेट तय किया जाएगा और इस रेट के हिसाब से हॉस्पिटल को पेमेंट होगा और इसका पैसा मरीज को नहीं मिलेगा।
महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में उम्र की कोई सीमा नहीं है और इसका प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना से उन गरीबों को फायदा मिलेगा जो अपने इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं और इस योजना को लागू करने का पूरा जिम्मा राज्यों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने देश अपने एस्ट्रोनॉट को खुद के यान से अंतरिक्ष में भेज चुके हैं? तो इसमें आंसर आएगा 3 देश, और ये 3 देश हैं सोवियत संघ या रूस, अमेरिका और चाइना। और अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहले अपने वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में भेजा था और अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और इसके बाद मई 1961 में अमेरिका ने भी एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में भेज दिया था। और वहीं चीन ने 2003 में अपने ही अंतरिक्ष यान से अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला तीसरा देश बन गया था। और सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से 1984 में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने एस्ट्रोनॉट को खुद के यान से अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि 2022 तक, जब आजादी का 75वां साल होगा, तब या उससे पहले देश का कोई भी बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएगा। और वे जिस यान से जाएंगे उसका नाम होगा गगनयान, और गगनयान पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। और अगर 2022 में भारत ये मिशन करने में सफल रहता है तो ऐसा करने वाला वह विश्व का चौथा देश होगा, और इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही है, और इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जाएगी। और इस ड्राफ्ट के मुताबिक यह पॉलिसी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर ज़्यादा फोकस करेगी और इसके जरिए कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2022 तक 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशनल एजेंसी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कुरंजी किसकी एक प्रजाति है? तो इसमें आंसर आएगा, नील कुरंजी पुष्प की एक प्रजाति है। और 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नीलगिरी के फूलों से की, और नीलगिरी की पहाड़ियों में 12 वर्षों में नील कुरंजी का पुष्प एक बार खिलता है, और 2006 के बाद 12 साल बाद इस साल यह फिर से खिला है, और इस तरह आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यह केवल 6 बार खिला है। और यह दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी की। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट के एक पर्वतमाला है, और नीलगिरी पर्यटन स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और वहीं बात करें नीलगिरी पर्वतमाला की, तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य के अंदर आती है। और नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी कुल ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, निहाल सरीन चेस से संबंधित है। और वहीं अबू धाबी मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीतने के बाद वह भारत के 53वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं, और विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रांड मास्टर बनने के मामले में वह 12वें स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच किस नदी के पानी को बंटवारे के लेकर सहमति बनी है? तो इसमें आंसर आएगा, महादेवी नदी या मंडवी नदी के पानी को लेकर सहमति बनी है। और कर्नाटक को 13.4 TMC, गोवा को 24 TMC और महाराष्ट्र को सबसे कम हिस्सा 1.33 TMC पानी मिला है। आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महादेवी जल विवाद किन राज्यों के बीच में था? तो आपके आंसर होंगे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। मांडवी नदी, मांडवी नदी या मैदोई नदी या महादाई नदी,
और कुछ स्थानों पर इसे गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के 30 सोतों के एक समूह से होता है जो कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहले चरण में किस स्थान को चुना है? आपके ऑप्शंस है कांगला किला, खोंगजोम, उपयुक्त दोनों और रणथंबोर। स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और परियोजना में दो स्थल कांगला फोर्ट और खोंगजोम को शामिल किया गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कांगला फोर्ट इम्फाल स्थित मणिपुर का सबसे अहम ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थल है। वहीं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं के जे अल्फोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में दो नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा जम्मू में और त्रिपुरा में। और जम्मू में यह उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर होगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर कहाँ पर खुलेगा? तो आपका आंसर होगा जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा कोची केरल राज्य में स्थित है। और केरल में भारी बारिश के कारण कोची एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है ओणम, और जो सरकारी स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार बाढ़ के कारण इसका आयोजन नहीं किया जाएगा और इसका फंड बाढ़ राहत कार्यों में खर्च किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो आपका आंसर होगा ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। और राज्यपाल पी सदाशिवम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह भी रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑटोमेटेड मल्टी मॉड्यूल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने वियतनाम ओपन में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इसमें आंसर आएगा रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने विधेयक लाने का फैसला किया है जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन मुफ्त करवा सकेंगे? तो इसमें आंसर आएगा केरल सरकार ने। और 2 लाख रुपए की राशि अस्पताल के खर्च के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। और इससे पहले तमिलनाडु ने भी सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त सेक्स चेंज सर्जरी की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस राज्य ने थर्माकोल और प्लास्टिक के कप, प्लेट और गिलास के प्रयोग को प्रतिबंध कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 15 अगस्त से थर्माकोल व प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि को प्रतिबंध किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को पॉलिथीन कैरी बैग को भी प्रतिबंध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष आयोग ने 2019 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर रखने को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा विक्रम साराभाई के नाम पर। और 2019 में ही विक्रम साराभाई का शताब्दी समारोह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के ग्रीन फंड जारी किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 66,000 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसामन मामा गोवंश वन्य विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसमें पशु चिकित्सकों की भी तैनाती की जाएगी। और इस वन्य विहार में जिले भर के बेसारा गोवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने हाल ही में खुद को राज्य में गायों का कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश के किस वर्ग के लिए पिच टू मूव नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है किसानों के लिए, उभरते उद्यमियों के लिए, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए और इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें।
और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।